पर्यटन की विपुल संभावनाओं को अपने आंचल में समेटे हुए करौली में इको टूरिज्म के तहत लवकुश वाटिका विकसित की गई है। इस लवकुश वाटिका के जरिए आमजन प्रकृति से रूबरू हो सकेंगे, साथ ही लोगों को घूमने फिरने और बच्चों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। वन विभाग की ओर से मंडरायल रोड पर रणगमा तालाब के पास लवकुश वाटिका तैयार की गई है। विभाग का मानना है कि लवकुश वाटिका के विकसित होने से न केवल वन और वृक्षों के संरक्षण के लिए जनचेतना आएगी, बल्कि लोगों को प्रकृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही करौली में एक नया पर्यटन स्थल भी विकसित हुआ है। उपवन संरक्षक सुमित बंसल ने बताया कि लवकुश वाटिका में 6 फीट ऊंचाई के करीब 800 मीटर की 4 दीवारी का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही 110 रनिंग मीटर में ट्रैक का निर्माण भी कराया गया है। वर्ष 2022-23 में करौली जिले के लिए एक लवकुश वाटिका स्वीकृत हुई थी, जो हमने रणगमा तालाब के पास में जो वन क्षेत्र है वहाँ पर हमने लवकुश वाटिका विकसित की है। इसमें करीब उस समय 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जो कि प्रथम वर्ष में इसमें 90 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। उसके बाद द्वितीय वर्ष में इसमें करीब 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए और हमने इसमें लवकुश वाटिका में पौधारोपण किया है, नेचुरल ट्रैक्स बनाए हैं, गोल चबूतरे बनाए हैं लोगों के बैठने के लिए। वन विभाग की करीब 9 हेक्टेयर भूमि में वाटिका तैयार की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में इको टूरिज्म लवकुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की थी। जिला मुख्यालय पर लवकुश वाटिका बनने से एक तो प्राकृतिक रूप से लोगों को घूमने के लिए एक बड़ा स्थान मिला है जंगल में, और यह रणगमा तालाब के पास बनाई गई है जहाँ प्रकृति पूरी तरह से है। और वन विभाग जिस प्रकार से इसको विकसित कर रहा है उसमें पेड़ पौधे लगाए हैं डांग क्षेत्र में, यानी एक तरह से प्राकृतिक रूप दिया है, जिसमें झूला भी लगाए हैं बच्चों के झूलने के लिए और सुबह घूमने वालों के लिए इसमें पथ भी बनाया है चारों तरफ, जो बहुत शानदार है और जिला मुख्यालय के लिए बहुत लाभदायक है। लवकुश वाटिका को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग की ओर से 11,000 से अधिक पौधे भी लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न किस्मों के पौधे शामिल हैं। वाटिका के लिए करीब 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें पहले फेज में 90 लाख रुपए और दूसरे फेज में 40 लाख रुपए का काम कराया जा चुका है। घोषणा के तहत करौली में रणगमा तालाब के समीप लवकुश वाटिका विकसित की गई है। ये बहुत अप्रोच में है, जहाँ पर रमणीय स्थल रणगमा तालाब है जो पहले से ही पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, उसके पास ही लवकुश वाटिका को स्थापित करना प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की मदद से करौली में एक लवकुश वाटिका तैयार की गई है। मंडल रोड पर बनाई गई लवकुश वाटिका की लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आई है, जो शहरवासियों के लिए मनोरंजन का एक नया केंद्र भी साबित हो रही है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही है। DD News राजस्थान करौली।